हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रिव्यू गेट स्मार्ट चैनल। एज एक्सपेक्टेड ये जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं जैसे कि अनुपमा चोपड़ा और कोमल नेता, इनकी तरफ से जून मूवी के लिए कोई पॉजिटिव इतना रिव्यू नहीं मिला है। सो जो कि मुझे पहले से लग ही रहा था कि इनकी तरफ से सच कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आने वाला है। वैसे तो जो वो रिव्यू देते हैं वो पर्सनल उनका ओपिनियन होता है, जो भी उन्होंने इतने सालों में हिंदी मूवीज़ को देख देख के जो उन्हें अच्छा लगता है, जो भी उनका लर्निंग होता है उनके बेसिस के ऊपर वो उनका एक रिव्यू बनाते हैं। बट थिंग इज़ जो नागराज मूवीज़ बना रहे हैं ये एक टोटली डिफरेंट तरीके की मूवीज़ है जो अभी तक के बॉलीवुड के इसमें देखने नहीं मिल रही थी। तो क्या सही में इन जैसे यूट्यूबर्स का वो लेवल है कि वो नागराज जी की मूवीज़ को रिव्यू करें? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं मूवीज़ के अंदर जो मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स को पता भी नहीं है कि वो देखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जून मूवी के इसमें एक सैराट के कैरेक्टर को जो नागपुर का फेमस खर्रा होता है उसको घोटते हुए दिखाया है। अब ये चीज़ नॉर्मली नागपुर के लोग ही जान सकते हैं, बाकी किसी को ये समझ में भी नहीं आएगा। ओके, और एग्जांपल अगर दूसरा ले तो पुलिस पाटिल का एक अप्रूवल लगता है रिंकू राजगुरु को, तो पुलिस पाटिल क्या होता है, ये जो भी ग्राउंड लेवल की चीज़ें होती हैं ये शायद इन लोगों ने कभी देखी नहीं है। ओके, तो मुझे डाउट है कि नागराज जी के मूवीज़ का रिव्यू इन जैसे यूट्यूबर जो हमेशा अभी तक के बॉलीवुड की जो बिग बजट मूवीज़ होती है उनका जो रिव्यू करते आए हैं, ऐसे यूट्यूबर्स ऐसे झुंड जैसी मूवीज़ का सही से रिव्यू भी कर पाएगा? सो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये इन्होंने मूवीज़ का रिव्यू अच्छा नहीं दिया है तो मूवी अच्छी नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए। सुनिए सबका, लेकिन वन टाइम वॉच मूवी तो बिल्कुल आपको लगेगी। क्या मूवी लेंदी है? बिल्कुल लेंदी है। इन्होंने मैच के इवेंट्स दिखाने में थोड़ा समय ज़्यादा दे दिया है। मेरे हिसाब से 15-20 मिनट्स मूवी कट की जा सकती थी उसमें से, उतनी छोटी होनी चाहिए थी। जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा कहीं कहीं लगता है कि हाँ ये थोड़ी स्लो हो गई है। किसी की कंप्लेंट है कि नो बैकग्राउंड ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक हर एक कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड क्या हुआ है वो नहीं बताया गया, उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड बताने की भी ज़रूरत है, क्योंकि स्लम के इसमें तो हर किसी को पता ही है कि इनका बैकग्राउंड कोई बहुत दिखाने लायक नहीं होने वाला है। एटलीस्ट उन्होंने लीड का कैरेक्टर दिखाया, उसी से मूवी की शुरुआत हुई है कि उनके घर के इसमें एनवायरनमेंट कैसा है। सो कुछ का कहना है कि इन्होंने लगा या फिर चक दे टाइप की मूवी बनाने की कोशिश की हुई है। देखिए वो मूवीज़ टोटली डिफरेंट है और वैसे ही एक्सपेक्टेशन लेके जाके मूवी देखना मुझे नहीं लगता सही रहेगा। क्या जैसे चक दे की इसमें इन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी दिखाए गए थे, वैसा इस मूवी में नहीं है, तो वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जिस मोमेंट पे मूवी क्लोज हुई है, जिस सीन पे इन्होंने उसको क्लोज किया है, वो दैट इज़ ऑसम। फिर एक दूसरा एक और लोगों ने क्रिटिक दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है। आई थिंक नागराज जी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ऑलरेडी हम स्लम की मूवी बना रहे हैं, उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा रोना धोना और ये सारा इमोशंस के ऊपर लेके गए तो शायद लोग उतना सह नहीं पाएंगे। वैसी मूवी लेंदी होने वाली थी, ये तो उन्हें स्क्रिप्ट लिखते बराबर ही समझ में आ गया होगा। तो अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशंस, यू नो, रोना धोना इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखा है। सबसे बड़ी बात जो इस मूवी की है कि ये स्लम की मूवी है, उसके बाद भी ये फैमिली मूवी है। वरना आजकल तो मूवी जिस तरीके से बन रही है, एक दो गाली तो फ्री में ही आ जाती है बिना कुछ किए, पर इस केस में स्लम के लड़के होने के बाद भी एक भी गाली सुनाई नहीं आती। ओके, एक दूसरी अगर हो भी तो मे भी शायद उन्होंने बीप कर दिया होगा, बट जैसी रफ लैंग्वेज हमें आजकल यू नो टीवी सीरीज और ये सब के इसमें भी देखने आ रही है, लाइक कम ऑन, स्लम मूवी है। ओके, स्टिल इट इज़ अ फैमिली मूवी और बिना कोई गाली। सो ये सारी चीज़ें होती है मूवी में देखने के लिए जो कि क्लियरली यूट्यूबर्स मिस कर रहे हैं इसमें। फिर कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओके ठीक है, ये हार्डली आई थिंक मे बी 30-40 करोड़ की इसमें पिक्चर बनी हुई है और धीरे धीरे इसका कलेक्शन तो उतना हो ही जाएगा। और ऐसी पिक्चर को इतना ज़्यादा वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एंगल नहीं देना चाहिए। इंडिया की इसमें ऐसा कि सलमान खान की कोई भी मूवी लग जाए तो अलतू फालतू तो भी पता नहीं 200-300 करोड़ ऐसे ही कमा लेती है, तो वो तो एंगल छोड़ ही दीजिए, उससे पिक्चर का
सही से हम जज नहीं कर सकते कि उसका पोटेंशियल कितना है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो इंटरमिशन के पहले जस्ट सॉन्ग डाला हुआ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली उसमें जानबूझ के ये दिखाया गया है कि इस जो स्लम के लोग होते हैं वो किस तरीके से उनका सेलिब्रेशन करते, स्पेशली जब अम्बेडकर की जयंती ये सब आता है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है, तो वो जो सेलिब्रेशन होता है वो नॉर्मली इनको डीजे बजा के फिर करते हैं। इसकी काफ़ी लोगों को कंप्लेंट भी है कि डीजे बजा के आप नाचते रहते करके, जो कि मूवी में भी दिखाया है कि मैं इस वाले चीज़ को मैं डोनेट नहीं करूँगा। बट दैट इज़ द ओनली वे फॉर देम जहाँ पे वो अपना फ्रस्ट्रेशन वो सब कुछ निकाल सकते हैं और कुछ अच्छा इवेंट को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब लोग जो क्रिटिसाइज़ करते कि भाई डीजे बजा के इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही लोग 5-5 दिन की शादी रख के वहाँ पे डीजे में डांस करते, तब ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऐसे सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम होती। तो मुझे नहीं, मुझे कहीं भी नहीं लगा, मुझे तो वो गाना ज़्यादा बेटर लगा इंटरमिशन के जस्ट पहले, सो आई थिंक इट वॉज परफेक्ट। देन एक और एंगल है कि मर्सिडीज़ वाली लड़की कैसे क्या स्लम के लड़के के साथ यू नो फ्लड कर सकती है। कुछ भी पॉसिबल है आज के डेट में, अगर गरीब इंसान क्रिकेट टीम में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है तो फिर एक मर्सिडीज़ वाली लड़की को एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ प्यार क्यों नहीं हो सकता। मे बी ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे खेले और उसके पास खुद के पास मर्सिडीज़ खरीदने के पैसे आ जाए, इवन दैट इज़ पॉसिबल। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसे प्री डिफाइंड आप ऐसे कुछ लेके मत जाइए कि भाई इस पिक्चर में राजगुरु यू नो परशा आर्ची उनका लव स्टोरी देखने मिले, उस हिसाब से अगर आप नहीं जाएंगे तो ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। अमिताभ से बच्चन से भी आप अगर सोच रहे हो कि बहुत डायनामिक रोल रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो एक्सपेक्टेशन एज सच ऐसे कुछ रखिए मत, फिर ये मूवी वॉच कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू।